हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आपका मूवीज़ चैनल में। आज हम बात करने वाले ड्रैगन बॉल जी के एपिसोड 61 के बारे में। अभी तक आपने अगर इसके 60 एपिसोड्स नहीं देखे हैं, जो कि आई बटन पे एज इट इज मिल जाते हैं, चैनल पे भी वो अवेलेबल है, जाके उस चीज का मजा उठाओ, इस वीडियो को कंटिन्यू करो। और हाँ दोस्तों, अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी कर दो। साथ ही साथ ये वीडियो पूरा देखो और एक आपका फेवरेट मोमेंट कमेंट डाउन भी कर देना। तो चलिए देखते हैं ड्रैगन बॉल जी एपिसोड 61। तो दोस्तों, अब तक हमने इस एपिसोड में देखा है जहाँ पर ये जो गिन्यू फोर्स है ये बढ़ चली आ रही है, और इधर गोहान और क्रिलिन खाना खाकर निकल रहे हैं फिर से गुरु से मिलने के लिए, जहाँ पर गुरु से इनकी मुलाकात हो पाएगी या नहीं यही हमें इस एपिसोड में जानने को मिलेगा। जैसे ये अपनी स्पीड लेवल आगे कर देते हैं और आगे बढ़ते हैं, तभी वेजिटा को भी पता चल जाता है, तो साथ ही साथ वेजिटा भी इनका पीछा करने लगता है। और इसी नोट पे इस एपिसोड की शुरुआत भी होती है। अब हम देखते हैं जहाँ पर गोहान और क्रिलिन उड़ चले जा रहे हैं, जहाँ क्रिलिन कहता है गोहान से कि बस अब कुछ ही दूर बचे हैं हम, जहाँ क्रिलिन यही सोच रहा है कि पहुँचने के बाद अगर इसकी पावर लेवल मैच कर जाए वेजिटा से तो हम लोग वेजिटा को हरा पाएंगे, अगर ऐसा नहीं हो पाया तो बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगी। लेकिन वेजिटा बहुत ज्यादा पावरफुल बनते जा रहा है, वो कैसे क्या बन रहा है ये हमें नहीं पता, लेकिन हाँ गोहान की जल्द ही पावर वापिस लानी होगी, जितनी भी हिडन पावर्स है। तभी हम देखते हैं गोकू को जो कि 100 ग्रेविटी लेवल में अपना अचीव कर चुका है सारी चीजें, जहाँ वो खुद को फील कर रहा है हल्का, जहाँ गोकू कहता है कि फाइनली मेरी ट्रेनिंग खत्म हो चुकी है ऐसा मुझे लग रहा है, जहाँ पर मुझे पसीना भी नहीं आ रहा, जहाँ वो ग्रेविटी लेवल 100 से 1 पर कर देता है। जहाँ वो 1 पर करने के बाद वो ऊपर देखता है तो वो कहता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं पंग जैसा ही बन चुका हूँ, जहाँ पर मुझे कुछ भी महसूस नहीं हो रहा है। जहाँ वो एक पत्थर उठाता है और आगे फेंकता है और उसे पकड़ भी लेता है और उसे चकनाचूर भी कर देता है, जहाँ पर गोकू ये देखकर बहुत ज्यादा खुश है और वो कह रहा है कि मेरी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, इस वजह से मेरे को बहुत अच्छे से टेक्निक भी यूज करते आएगी, जैसे कि कामेहामेहा और केओ के अटैक भी, जो कि 10 गुना पावर लेवल होगा, जहाँ पर मैं अभी फेदर जैसा महसूस कर रहा हूँ, जहाँ पर हम उसे स्विम करता हुआ नाचता हुआ देख सकते हैं, जहाँ वो खुद को करता है 10-15 बार मुक्के मारकर, और वो कह रहा है कि मैं बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो चुका हूँ। जहाँ वो अपना हाथ ऊपर उठाता है तो उसे स्मेल आने लगती है, जहाँ पर वो अभी नहाने जा रहा है, जहाँ वो नहाता है और वो कहता है कि जितना ज्यादा तुम प्रैक्टिस करोगे उतना ज्यादा तुम्हारे बॉडी से स्मेल आएगी। जहाँ पर वो नहा कर बाहर आता है और वो कह रहा है कि अभी खाने का टाइम हो चुका है, जहाँ पर वो पहले बियर की कैन निकालता है, फिर कहता है अरे ये नहीं पी सकते, फिर स्पोर्ट्स ड्रिंक निकालता है और वो पीकर वो लुढ़क जाता है यानी सो जाता है। और इधर अभी गोकू को आने को बहुत कम टाइम बचा हुआ है प्लैनेट नेमेक पर। इधर वेजिटा आगे बढ़ते हुए जा रहा है जो कि यही सोच रहा है कि पहुंचने के बाद उनके पास का ड्रैगन बॉल ले लिया जाएगा और उन्हें मार दिया जाएगा। तभी क्रिलिन और गोहान कहते हैं कि देखो वो टावर दिख रहा है ना गोहान, तुम्हें उसी टावर पर है गुरु, तो चलो अभी जल्दी बढ़ते हैं। तभी उसे पता चलता है कि उसका पीछा और कोई नहीं वेजिटा कर रहा है, जहाँ गोहान भी कहता है कि हाँ वेजिटा तो आ चुका है अब क्या कर सकते हैं, जहाँ पर क्रिलिन कहता है गोहान से कि गोहान तुम जाओ तुम्हारी पावर लेवल अप करो, तब तक मैं इसे रोकने की कोशिश करता हूँ, जहाँ पर गोहान कहता है कि ठीक है और गोहान निकल जाता है। तभी वो देख रहा है कि वेजिटा आखिरकार उसके पास पहुँच रहा है या नहीं, तभी वो रुकता है जहाँ पर उसको सीधा ही क्रॉस कर जाता है, जो कि इतने ज्यादा फास्ट वे में करता है, जहाँ क्रिलिन कह रहा है कि मैं अभी इस पावर लेवल पे इसे कैसे रोक पाऊंगा। जहाँ पर अभी क्रिलिन कह रहा है वेजिटा से कि वो ड्रैगन बॉल भी तुम मुझे दे दो वेजिटा, जहाँ पर वेजिटा कह रहा है कि वो ड्रैगन बॉल छोड़ो, तुमने जो मेरे पास का एक ड्रैगन बॉल चुरा के लाया है ना पानी में से, वो मुझे चाहिए, वो जल्द से जल्द तुम दे दो। जहाँ पर क्रिलिन कहता है कि रुको अभी देता हूँ, जहाँ पर इन दोनों के बीच में अभी फाइट होने वाली है। इधर हम देखते हैं कि गुरु के पास गोहान पहुंच चुका है, जहाँ पर गुरु ने उसके ऊपर हाथ रख दिया है जो कि फील कर रहा है। तभी इधर क्रिलिन कहता है कि ठीक है चलो लड़ते हैं, जहाँ पर ये दोनों ही लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। तभी वहाँ पर वेजिटा को पता चल जाता है कि उस टावर के अंदर बहुत बड़ी पावर लेवल है जो कि मैं सेंस कर रहा हूँ, जहाँ पर उसे लगता है कि उधर ही होगा ड्रैगन बॉल, तो वेजिटा उड़ चले जाता है, जहाँ पर क्रिलिन कह रहा है कि उधर मत जाओ यहीं पर लड़ो, लेकिन वो चले जाता है, जिसका पीछा क्रिलिन भी कर रहा है। इधर अभी गुरु कह रहे हैं कि इसकी पावर लेवल तो बहुत ज्यादा अमेजिंग है, इसके अंदर बहुत सारी पावर्स भरी पड़ी है, जहाँ पर वो उसे एक्टिवेट करने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ पर गोहान कहता है कि मुझे जल्द से जल्द एक्टिवेट कर दो गुरु, जहाँ पर ये जो गुरु का चेला है ये कह रहा है कि अब वो प्योर हार्ट है, जहाँ पर गुरु कहते हैं कि हाँ ये सच में प्योर हार्ट है। तभी गोहान को पता चल जाता है कि वेजिटा वहाँ पर पहुँच चुका है, जहाँ पर हम देखते हैं बाहर से कि वेजिटा पहुँच चुका है, जहाँ क्रिलिन भी उसके पीछे पीछे आ चुका है, जहाँ पर
क्रेलिन उसे यही कह रहा है कि तुम आगे नहीं बढ़ सकते, रुक जाओ, पहले मेरा सामना करो। तभी हम देखते हैं कि वहाँ पर आ चुका है वही गुरु का चेला बाहर, जो कि अभी वेजिटा से लड़ने वाला है। तभी वेजिटा पावर लेवल सेंस करता है और वो अंदर देखता है। तभी हम अंदर देखते हैं गोहान को, जिसकी पावर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, जहाँ उसे वो महसूस हो रही है और वो बहुत ही ज्यादा शॉक में भी है इतनी ज्यादा पावर लेवल देख कर। जहाँ गुरु की हालत अभी थोड़ी सी खस्ता तो हो चुकी है, जहाँ वेजिटा अंदर सेंस कर रहा है और वो कह रहा है कि कैकेरोट तुम अंदर हो, बाहर आ जाओ। जहाँ पर कैकेरोट तो नहीं आता बाहर, गोहान ही बाहर आता है। जहाँ पर ये सुनकर क्रेलिन भी बहुत ज्यादा शॉक में है और इधर वेजिटा भी बहुत ज्यादा शॉक में है गोहान को बाहर देखकर। जहाँ पर अभी वेजिटा बहुत ज्यादा शॉक में है, जो कि यही सोच रहा है कि इतनी ज्यादा पावर लेवल इसके पास कैसे आ गई, ये प्लेस क्या है, यहाँ पर तुमने खुद के साथ क्या किया है, मुझे कोई बताएगा। जहाँ पर वो टेंशन में दिख रहा है इतनी ज्यादा फोर्स देखकर। जहाँ वो अभी जोर जोर से हंस देता है, जो कि यही कह रहा है कि तुम्हें क्या लगा कि इतने ज्यादा फोर्स के लेवल की वजह से मैं क्या हार जाऊंगा, नहीं, इससे ज्यादा पावर लेवल है मेरी जितनी की तुम्हारी है। जहाँ पर तुम्हें ये लग रहा होगा कि तुम मुझे हरा पाओगे, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, तो चलो आओ लड़ते हैं। जहाँ पर सबसे पहले वो जो बंदा था नेमेकियन, वही आगे आ जाता है लड़ने के लिए। तभी हम देखते हैं इधर गुरु के पास, जहाँ गुरु बहुत ज्यादा शिविर कर रहे हैं। तभी डेंडे पूछता है कि गुरु आखिरकार क्या हो रहा है। जहाँ पर गुरु कहते हैं कि बहुत बड़ी फोर्स आ रही है, जिस वजह से ये पूरी जगह तबाह होने वाली है, तो इस वजह से तुम जाके बाहर इन लोगों को बता दो कि कोई एविल फोर्स है जो इस प्लेनेट की तरफ आ रही है। तभी ये लोग रेडी हो रहे हैं लड़ने के लिए। तभी आ जाता है डेंडे बाहर, जहाँ वो कहता है कि गुरु ने कहा कि ऊपर से कोई एविल फोर्स आ रही है। जहाँ पर वेजिटा कहता है ये गुरु कौन है और कौन आ रहा है ऊपर से। जहाँ पर इन लोगों को सेंस हो जाता है अभी कि ऊपर से आ रही है कोई बड़ी फोर्स। जहाँ पर क्रेलिन को लगता है कि भाई वो तो गोकू होगा, जहाँ पर वो देखकर खुश है। तभी वहाँ पर गोहान कहता है कि नहीं, मुझे कोई एक पावर लेवल सेंस नहीं हो रही है, मुझे 5 पावर लेवल सेंस हो रही है। तभी वेजिटा सेंस करता है और वो कहता है कि ये तो और कोई नहीं है, ये है फ्रीजा की गिनी फोर्स, जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल है। जहाँ पर वेजिटा सामने देखता है और दौड़कर पकड़ लेता है गोहान को, जो कि पूछ रहा है कि आखिरी ड्रैगन बॉल कहाँ पर रखा है, मुझे तुम दे दो। जहाँ गोहान कहता है कि वो मेरे पास नहीं है और मुझे भी उसके बारे में कोई आइडिया नहीं है। जहाँ पर वेजिटा कहता है कि वो जो बंदे आ रहे हैं ना, वो मेरे से भी ज्यादा पावरफुल है, ऐसे एक एक बंदे है, टोटल वो 5 है, उनके पास बहुत ज्यादा पावर हो सकती है, मेरे पास जितनी है उससे भी ज्यादा। तुम मुझे ड्रैगन बॉल दे दो और मैं विश करता हूँ कि भाई तुम लोगों को मैं कुछ नहीं करूंगा, तुम्हारे फ्रेंड्स को यहाँ से जाने दूंगा, लेकिन मुझे इमॉर्टल पावर लेनी है ताकि मैं इन फोर्स को हरा सकूं, तो जल्दी दे दो वो ड्रैगन बॉल मुझे ताकि मैं उन लोगों को हरा पाऊं। तभी क्रेलिन कहता है कि नहीं, मैं नहीं दे सकता, क्योंकि मैं तुम पर क्यों भरोसा करूं। वेजिटा कहता है कि तुम्हारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि वो लोग आ जाएंगे, उनके पास होगा स्काउटर और वो हमें पकड़ कर ही मार देंगे। तभी ये दूसरा बंदा कहता है, यानी नेमेकियन, वो कह रहा है कि हाँ, वो तो एविल पावर है जो कि मैं सेंस कर रहा हूँ, जो कि इस तरफ आ रही है, तो यही एक ऑप्शन बचता है हमारे पास कि इसको इमॉर्टल पावर दे दी जाए। जहाँ पर क्रेलिन कहता है कि उसे क्यों दे, हम गोहान को ही क्यों ना दे दे। जहाँ पर वेजिटा कहता है कि उसे फाइटिंग की कोई आदत नहीं है, वो अब तक इतनी जंगे नहीं लड़ चुका है, तो वो नहीं लड़ पाएगा, तो मुझे ही देना होगा। जहाँ पर ये नेमेकियन कहता है कि हाँ, ये सही कह रहा है कि इसे ही ड्रैगन बॉल देना पड़ेगा, लेकिन क्रेलिन कहता है कि फिर मेरी विश का क्या। जहाँ पर ये नेमेकियन कहता है कि नहीं, वो 3 विश मांग सकते हैं तुम लोग, क्या तुम्हें पता नहीं था इस बारे में। जहाँ पर क्रेलिन कहता है कि 3 विश। तभी वेजिटा उसे पकड़ लेता है क्रेलिन को और वो कह रहा है कि तुम मेरे ऊपर भरोसा करो, क्योंकि अगर तुमने मुझे इमॉर्टल नहीं बनाया तो उसे कोई नहीं हरा पाएगा और यहाँ पर आकर वो हमें मार डालेंगे ढूंढ ढूंढ कर। जहाँ पर क्रेलिन कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हें वो दे तो दूंगा, लेकिन बाकी के 2 जो विश है वो हमें लेनी है, और अगर तुमने इसमें कुछ गड़बड़ की तो मैं तुम्हें ड्रैगन बॉल नहीं दूंगा, समझे ना तुम। तभी ये नेमेकियन कहता है कि जल्दी जाओ, और ये तीनों ही उड़ चले जाते हैं, जिनके पीछे गोहान भी उड़ जाता है। अब हम देखते हैं इधर अंदर, जहाँ पर गुरु के सामने ये डेंडे और वो बंदा आ जाता है, जहाँ पर ये दोनों ही लोग विश कर रहे हैं कि वो लोग आखिरकार जीत जाए। जहाँ पर गुरु कहता है कि हाँ, वो लोग चले गए हैं ना, तो वो विश मांगेंगे और वो जीत जाएंगे, उनकी टेंशन नहीं है मुझे। जहाँ पर अभी गुरु हंस देते हैं। जहाँ पर ये बंदा कहता है कि गुरु आपको क्या जाने का वक्त हो चुका है। जहाँ गुरु कहता है कि हाँ, अब मैं ज्यादा देर तक जिंदा नहीं रह पाऊंगा। जहाँ पर मुझे लगता है कि तुम्हें भी जाना होगा उन लोगों से लड़ने के लिए, तभी वो लोग ये जंग जीत पाएंगे। जहाँ पर गुरु कहता है कि तुम भी चले जाना, और गुरु की बात मानकर वो नीचे बैठता है, और मेरे ख्याल से अभी गुरु की भी वहाँ पर मौत हो चुकी है। इधर हम देखते हैं कि इस प्लैनेट की तरफ आ चुके हैं गिनी फोर्स, जो कि 5 के 5 ही आ जाते हैं। जहाँ पर फ्रीजा कहती है कि फाइनली मेरे लड़के यहाँ पर आ चुके हैं। जैसे ही वो लैंड करते हैं, बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, ये पूरा प्लैनेट ही हिलने लगता है। तभी वेजिटा कह रहा है क्रेलिन से कि हम बहुत ज्यादा लेट हो चुके हैं, अभी टाइम हमारे पास बचा हुआ नहीं है। तभी हम बुलमा को देखते हैं,
जिसने ड्रैगन बॉल अपने पैरों से बांध लिया है रस्सी से। तभी वो पढ़ रही होती है तो उसका ड्रैगन बॉल हिलने लगता है और बुलमा नीचे गिरती है। तभी वो देखती है क्रेलिन को, जहाँ पर क्रेलिन कहता है कि बुलमा अभी समझाने का टाइम नहीं है, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा, और वो ड्रैगन बॉल खोलता है। तभी वेजिटा आ जाता है और वेजिटा कहता है कि बाकी के ड्रैगन बॉल के पास हमें जल्दी चलना होगा, और ये तीनों ही वहाँ पर आकर उड़ चले जाते हैं। जहाँ पर बुलमा कहती है कि रुको, मुझे भी लेके चलो, मुझे भी कोई बताएगा आखिरकार हो क्या रहा है। क्रेलिन और वेजिटा, इतना बोलने के बाद उसे याद आ जाता है कि इन लोगों के साथ तो वेजिटा था, तो क्रेलिन ने ऐसा क्या कर दिया कि वेजिटा इनके साथ है। तभी हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि आ चुका है ऊपर, और वो देख रहा है इन्हीं पांच पॉड्स को, जो कि पांचों पॉड्स खुलते हैं। उनमें से ये पांचों जो यूनिफोर्स के मेंबर्स है ये बाहर आ जाते हैं, और इधर ये जो फ्रीजा है वो बहुत ही ज्यादा खुश दिख रहा है। जहाँ अभी हमें एक एक मेंबर से मिलाया जाता है, जहाँ पर सबसे पहले रिकोम से मिलाया जाता है जो कि एक वियर्ड सी पोज कर रहा है। अभी दूसरा बंदा भी एक वियर्ड सी पोज करता है और खुद का नाम बूटा बताता है। अब तीसरा बंदा वियर्ड सी पोज करता है और खुद का नाम जेस बताता है। अब चौथा बंदा भी अपनी ऐसी वियर्ड सी पोज करता है और खुद का नाम गुर्डा बताता है। अब पांचवा बंदा नीचे झुककर पीछे देखता है और कहता है कैप्टन गिन्यू, जिसका नाम है गिन्यू। और ये लोग फिर पांचों लोग एकत्रित होकर कहते हैं कि हम हैं गिन्यू फोर्स। तो इतना ज्यादा फुलिश और कार्टूनिश लग रहा है, जैसे कोई ये एक्चुअल फौज नहीं, ये कोई जोकर की सेना है, जिसे देखकर शर्मा भी जाता है अपना फ्रीजा। ये लोग कहते हैं कि कैसी लगी हमारी एंट्री, जहाँ पर फ्रीजा कहता है कि हाँ तुम्हारी एंट्री तो अच्छी थी, लेकिन चलो अभी हम बढ़ चलते हैं। जहाँ पर ये लोग भी हंस रहे हैं और फ्रीजा भी हंसता है। तभी हम देखते हैं कि वेजिटा, गोहान और क्रेलिन पहुंच रहे हैं उन पांचों ड्रैगन बॉल के पास। तो क्या तब तक ये लोग पहुंच पाएंगे? जब तक गोकू आ नहीं जाता तब तक क्या ये लोग इन लोगों को यानी गिन्यू फोर्स को रोक पाएंगे, या फिर आखिरी विश भी नहीं बोल पाएंगे? यही हमें जानने को मिलेगा तगड़े आने वाले कुछ ही एक दो एपिसोड्स के अंदर। जहां पर आपको इसे मिस नहीं करना है तो आपको सब्सक्राइब कर देना है इस चैनल को, साथ ही साथ बेल बटन को भी दबा देना है। और अभी तक आपने अगर इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दो, अपने दोस्तों को बताओ कि भाई आगे आने वाले अमेजिंग एपिसोड्स के लिए आप रेडी रहो, और साथ ही साथ इस चैनल को उन्हें सब्सक्राइब भी कराओ। और अभी तक अच्छी सी कमेंट भी नहीं की है इस एपिसोड को लेके, तो वो भी कर दो। और तब तक के लिए देखते रहिए मूवीज़ इन।